नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नव निर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस से यशोदा वर्मा ने भारी मतों से विजय बनी, जिसकी आज उन्होंने शपथ ली। आज से वह खैरागढ़ विधानसभा की संवैधानिक रूप से कमान संभालेगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने यशोदा वर्मा को पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। इस शपथ ग्रहण समारोह में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और इस चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। खैरागढ़ उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण, और उस उपचुनाव में यशोदा वर्मा जी चुनाव जीत के आई, 20,000 वोटों से जीती। खैरागढ़ में अभी तक के कोई प्रत्याशी 20,000 से नहीं जीता था, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना यशोदा जी को और खैरागढ़ के सभी मतदाताओं को बधाई, कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारी, विधायकों को, मंत्रियों को, सबको बधाई जिन्होंने वहाँ चुनाव में भाग लिया और यशोदा वर्मा को जीत दिलाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उन सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन सबने सहयोग किया, सबके प्रति आभार। बहुत खुशी लगा थे और एक खुशी ला हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी है, एक खुशी ला मोला दीस और छत्तीसगढ़ के जिन जनता है जिन हम मोला आशीर्वाद के रूप में खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में बहुत बड़े खुशी के सौगात दे। छत्तीसगढ़ी में शपथ ले आप? हाँ, हम छत्तीसगढ़ी में शपथ लें, काबर की हम छत्तीसगढ़ के बहुआन और बेटियाँ छत्तीसगढ़ के, और हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और संस्कार ला हम नई जान देने खल लिए हमन छत्तीसगढ़ में सफर। क्या प्रायोरिटी रहेगी? समय काफी कम है, खाना में निकलेगी, क्या महिलाओं को लेकर फोकस रहेगा? महिलाओं मन ला तो हम फोकस हम सामाजिक स्तर से हम जुड़े हैं, समाज सेवा करत रहे हैं, और समाज के महिला मन ला हम आगे बढ़ाए के लिए आज बहुत आगे आन, और उस हमारे साथ में हमारे सामाजिक महिला हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में है, हमारे लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष। और मैं चाहता हूँ कि हर समाज की महिला आगे आए और आगे आके जन सेवा करे, समाज सेवा करे, यही मोर। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।